जिंदगी के कुछ कड़वे सच। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। लोग अच्छी सीरत को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो, वही शख्स ज़्यादा दुख देता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम गलती करके बदल सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है, तो यकीन जानिए जब दूसरों से गलती हो जाती है तो वो भी बदल सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें बस उनको एक मौका देना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब किसी दूसरे से गलती हो जाए तो हम उन्हें ठीक होने का मौका नहीं देते, बल्कि हर बार उनकी वही गलती उठाते हैं और लपेट के उनके मुंह पे दे मारते हैं और क्या कहते हैं, तुम इतने अच्छे कब से हो गए हो, तुम इतने नेक कब से हो गए हो, अपने करतूत भूल गए हो, तुम क्या थे। हाँ, वो भूल गया है और खुदा के लिए उसे भूलने दीजिए। अगर कोई शख्स अपनी गलती सुधार कर बदलना चाहता है, ठीक होना चाहता है, तो खुदा के लिए उसके रास्ते का पत्थर मत बनिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आज का नौजवान ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ पता नहीं। याद रखिए, जिसका कोई ख्वाब नहीं होता ना, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज तन्हाई है, ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अपने मकसद को, अपनी मंजिल, अपने ख्वाब को अपना दोस्त बना के आगे बढ़ते जाओ। याद रखना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफले चलते हैं। हमारे करीब अक्सर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारे पास भागे भागे आते हैं। सुनो, फुला ने तुम्हारे बारे में ये कह दिया है, फुला ने तुम्हारी बुराई कर दी है, और हाँ सुनो, मेरा नाम ना लेना। ऐसे लोगों से दो टोक पूछिए, मुझे ये ना बताओ कि मेरे पीठ पीछे मेरी क्या बुराई की गई, बल्कि मुझे ये बताओ मेरी बुराई करने वाला तुम्हारे सामने इस कदर बेझिझक क्यों था, जो आराम से ये बातें कहता रहा और तुम सुनते रहे।